आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज सच का पहरेदार। नारायणबगड़ विकासखंड के डुगरी गांव में बीते 19 तारीख को मलबे में दबे दोनों ग्रामीणों का अब तक कोई भी पता नहीं लग पाया है। वही SDRF और NDRF सहित पुलिस और राजस्व की टीम भी मौके पर राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। उप जिलाधिकारी थराली सुधीर कुमार ने खुद मौके पर पहुंचकर राहत बचाव कार्य का जायजा लिया। बता दें कि डुगरी गांव में पानी का स्रोत ठीक करने गए दोनों ग्रामीणों पर चट्टान का मलबा भरभरा कर गिर गया था, लेकिन अभी तक दोनों ग्रामीणों को खोजा नहीं जा सका है। वहीं जिला पंचायत उपाध्यक्ष चमोली लक्ष्मण सिंह रावत ने प्रशासन से राहत बचाव के कार्यों में तेजी लाने की भी मांग की। जो ये आलियों ढूंगरी की घटना है, बड़ी दुखद घटना है। मैं उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ और शासन प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि 19 तारीख से शाम से लेकर अभी तक वो जो व्यक्ति हैं, दोनों व्यक्ति मिले नहीं हैं। और यहाँ पे मैं निवेदन करता हूँ कि आप जल्द से जल्द ये डुंगरी वाली रोड खुलवा के, ताकि वहाँ पे अन्य मशीनें पहुँच सकें, GCB या अन्य मशीनें वहाँ पे पहुँच पाए और जिससे कि ये दोनों व्यक्तियों को ढूंढा जा सके। कर्णप्रयाग से पुष्कर सिंह नेगी, पब्लिक न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। NDRF ADM जो कि हमारे बीच पहुँचे हैं, विधायक जी का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने तत्काल कार्यवाही की और निर्देश किए टीम को पहुँचने के लिए।